हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फायर स्टडी राजस्थान में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे राजस्थान फायर सर्विस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फायर से रिलेटेड आपको हर न्यूज मिल सके। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और फ्रेंड्स, ये चौथा प्रैक्टिस सेट है जो राजस्थान फायर सर्विस के लिए है। तो चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में पानी किसके द्वारा बाहर निकलता है? ऑप्शन ए गैस कार्टेज, ऑप्शन बी नोजल, ऑप्शन सी पोर्ट होल और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोजल के द्वारा वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में पानी बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन है, CO2 गैस कार्टेज को कितने प्रतिशत वजन कम होने पर बदल देना चाहिए? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15% और ऑप्शन डी है 20%। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10%। अगला क्वेश्चन है, फायर बॉल का फटने का समय होता है? ऑप्शन ए 2 से 5 सेकंड, ऑप्शन बी 5 से 10 सेकंड, ऑप्शन सी 10 से 15 सेकंड और ऑप्शन डी है 20 सेकंड। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो फायर बॉल का जो फटने का समय होता है वो होता है 2 से 5 सेकंड। फायर बॉल को ऑटो फायर ऑफ के नाम से जाना जाता है। इसमें ड्राई केमिकल पाउडर भरा जाता है, मोनोअमोनिया फास्फेट। फायर बॉल को मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से जाना जाता है और इसका जो वज़न होता है वो होता है 1 किलो 300 ग्राम और इसका जो फटने का समय होता है वो होता है 2 से 5 सेकंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पानी के दबाव के साथ साथ फ्रिक्शन होता है? ऑप्शन ए ज़्यादा, ऑप्शन बी नहीं बदलेगा, ऑप्शन सी कम होगा और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पानी के दबाव के साथ साथ फ्रिक्शन कम होगा। अगला क्वेश्चन है, डिलीवरी होज की लंबाई होती है? ऑप्शन ए 50 से 75 फीट, ऑप्शन बी 50 से 150 फीट, ऑप्शन सी 100 से 150 फीट और ऑप्शन डी है 50 से 120 फीट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 50 से 120 फीट। तो फ्रेंड, डिलीवरी होज की बात करें तो डिलीवरी होज का जो स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाता है वो साल में एक बार किया जाता है। डिलीवरी होज पर इंटरटेनियस मेल और फीमेल कपलिंग पाई जाती है। तो डिलीवरी होज की जो परिभाषा होती है वो होती है, फायर सर्विस का वह उपकरण जो पानी को बिना रिसाव किए फायर पंप से प्रेशर के साथ पानी को आग वाले स्थान तक पहुंचाने का काम करता है वो डिलीवरी होज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एब्रेजन का अर्थ होता है? ऑप्शन ए होज के रगड़ने से ख़राब होना, ऑप्शन बी वाटर हैमर, ऑप्शन सी होज में पानी का बहाव और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, होज के रगड़ने से ख़राब होना एब्रेजन का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, सक्शन होज कपलिंग का IS कोड होता है? ऑप्शन ए 636, ऑप्शन बी 903, ऑप्शन सी 901 और ऑप्शन डी है 902। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 902। सक्शन होज जो कपलिंग का जो IS कोड होता है वो होता है 902। और 903 जो IS कोड होता है वो होता है फ्रेंड्स, डिलीवरी होज कपलिंग ब्रांच पाइप और नोजल का जो IS कोड होता है वो होता है 903। जो डिलीवरी होज का जो IS कोड होता है वो होता है 636। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल दबाव पर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है? ऑप्शन ए 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस,
ऑप्शन सी 90 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 212 डिग्री फारेनहाइट पर पानी उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन है, होजरी होज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पानी का वेग को रोकने में, ऑप्शन बी हवा के वेग को कम करने में, ऑप्शन सी आग बुझाने में, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आग को बुझाने में होजरिल होज का उपयोग किया जाता है। होजरिल होज एक फिक्स फायर इंस्टॉलेशन का भाग होता है जो रेनफोर्स रबड़ से बना होता है, और इसका जो स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है 8.5 kg cm² पर। अगर पौंड में पूछे तो 120 पौंड पर इसका स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाता है, और इसको 180 डिग्री एंगल पर घुमा सकते हैं, फायर फाइटिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर का कलर कोड होता है। ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी क्रीम, ऑप्शन सी लाल, और ऑप्शन डी है हरा। जो हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर का जो कलर कोड होता है हरा, और जो काला होता है वो होता है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का जो कलर कोड होता है वो काला होता है, और फोम फायर एक्सटिंग्विशर का जो कलर कोड होता है वो क्रीम होता है, और जो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का जो कलर कोड होता है वो होता है लाल होता है, और हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर का हरा होता है। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फायर से रिलेटेड आपको हर न्यूज मिल सके। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में जल्द ही।